हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंटेंस एंड इट टाइप के बारे में तो इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए पहला जो पार्ट होता है जो हमें समझना चाहिए वो होता है सेंटेंस अल्फाबेट सीख लिए सबसे पहला जो होता है वैसे वो तो अल्फाबेट होता है 26 अल्फाबेट आ गए आपको इंग्लिश लैंग्वेज के फिर आपको सेंटेंसेस को फ्रेम करना आना चाहिए तो वही हम इसमें सीखेंगे कि एक सेंटेंस क्या होता है तो सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ वर्ब एंड मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस कई सारे वर्ड्स का ग्रुप हो सकता है जिसमें कोई वर्ब आए और वो एक कंप्लीट सेंस बनाए तो वो एक सेंटेंस होता है जैसे कि he opened the door. तो देखिए इसमें ओपन जो है वो वर्ब हो गया और इसमें एक complete sense बन गया कि भाई उसने जो है दरवाजा ओपन किया तो इसमें वर्ब भी आ गई और इस sentence का ये जो पूरे वर्ड्स थे ये मिल करके एक कंप्लीट सेंस भी बना रहे हैं तो यही होता है एक सेंटेंस सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट होता है अब देखिए जैसे मैंने लिखा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो मैंने जो ए है वो कैपिटल रखा है तो जो सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो एंड है वो फुल स्टॉप से एंड होता है या फिर एक क्वेश्चन मार्क से वो एंड हो सकता है या फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क से वो एंड हो सकता है डिपेंड करता है कि सेंटेंस का मीनिंग या निकल के आ रहा है उसके बेसिस पर उसका जो एंड मार्क है वो फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो सकता है अब सेंटेंस जो होता है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ आई हैव वन ब्रदर बट नो सिस्टर मेरा एक भाई है मगर मेरी कोई भी बहन नहीं है तो आई जो इस सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है वो आई है सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वही उसका सब्जेक्ट होता है और दूसरी चीज जो है वो होता है प्रेडिकेट और जनरली जो है सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है मगर ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं ऑब्वियसली ही गुड बॉय तो ही जो सब्जेक्ट है वो बीच में आ रहा है सेंटेंस के तो ज़्यादातर सब्जेक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है बट कभी कभी बीच में भी आ सकता है तो द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट तो सेंटेंस का वो पार्ट जो बताता है या तो नाम बता रहा है उस पर्सन का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या फिर जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा उसका सब्जेक्ट हो जाएगा जैसे कि एग्जाम्पल यू स्पीक इंग्लिश तो इसमें सब्जेक्ट क्या है यू है आप है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है जो सब्जेक्ट में स्पीक इंग्लिश अपने आप में कुछ नहीं है स्पीक इंग्लिश किस पे डिपेंड कर रहा है यू पर यू स्पीक इंग्लिश तो यू सब्जेक्ट हो जाएगा और स्पीक इंग्लिश प्रेडिकेट हो जाएगा तो पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंक वी आर स्पीकिंग अबाउट सेंटेंस का वो पार्ट जो उस पर्सन के बारे में या उस चीज के बारे में बताता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट और द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट विच दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ द सब्जेक्ट और जो सेंटेंस का पार्ट सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होता है वो उस सेंटेंस का प्रेडिकेट होता है तो देखिए पार्ट जो नाम या उस पर्सन के नाम के बारे में या उस किसी चीज के बारे में बताता है तो वो होता है सब्जेक्ट और जो पार्ट सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है वो उसका प्रेडिकेट होता है सब्जेक्ट जो है यूजुअली स्टार्टिंग में ही आ जाता है बट कई बार ऐसी ओकेजन भी होती हैं कि जब सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ना आए और कहीं पर बीच में भी आ जाए जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं अब हम पढ़, मतलब पढ़ेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं ये सारा का सारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस में तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे कि रिक्वेस्ट की जाती है कुछ एडवाइस दी जाती है किसी को या कोई सजेशन दिया जाता है वार्निंग कमांड ऑर्डर इस टाइप से जो होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जैसे कि सेट डाउन थैंक यू ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस में आती हैं तो इस वीडियो में हम ने देखा कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के क्या पार्ट्स होते हैं तो सेंटेंस होता है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है और वर्ड्स मिलके जब एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस हो जाता है इसके दो मेन पार्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो वो होता है जो किसी चीज के बारे में या किसी चीज का नाम बताता है नेम्स द पर्सन और थिंक जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो होता है उसका सब्जेक्ट और जो पार्ट सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है वो होता है प्रेडिकेट और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है सब्जेक्ट जनरली सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है बट कभी कभी बीच में भी आ सकता है तो इस वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा और उसका जो वो होता है डिविजन होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में वो पढ़ा और आगे आने वाले वीडियो में हम इसके टाइप्स देखेंगे और पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा थैंक यू